हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिलेशनशिप के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, जो कि हर एक एग्ज़ाम में ही आता है, ठीक है। आप जीडी का एग्ज़ाम देख लीजिए, यूपीपी का, आरपीएफ का, एनी एग्ज़ाम, हर सब में आता है, ठीक है। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो लेवल से हाई लेवल तक, ठीक है। आपने आज तक नहीं पढ़ा है फिर भी आपको आएगा। चलिए पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। लोग मान लीजिए इस पीढ़ी में आ गए अभी, ठीक है। आपके पापा जो होंगे इससे ऊपर होंगे, ठीक है, और जो आपके दादा होंगे वो इनके ऊपर होंगे, ठीक है, और जो आपके परदादा होंगे वो इनके भी पिता होंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन आएगा, अगर आप या आपकी बहन आती हैं तो उसको नीचे रखना है, ठीक है। पापा आते हैं तो आपको और ऊपर रखना है उनके, ठीक। फिर उनके पापा आते हैं यानी आपके दादा, तो उनको ऊपर रखना है और उसके ऊपर, या फिर नाना नानी कुछ भी आए तो यहाँ पे रहेंगे, मामा आए या मामी आए या फिर मम्मी आए तो इस वाली लाइन में रहेंगे आपसे एक स्टेप ऊपर, ठीक है। और परदादा आए तो सबसे ऊपर जाएंगे वो ना, या फिर पर नाना, ठीक है। अब हम बताएंगे कि जब भी मेल वाले आए, जैसे मान लीजिए कोई लड़का हो इसमें, ठीक, मान लीजिए कोई लड़का ए है, तो आपको साइड में लिख देना है प्लस। प्लस का मतलब होगा कि ये मेल है, ठीक है, ये मेल है, फीमेल नहीं, ये मेल है, ठीक है। और मान लीजिए बी एक लड़की है, तो क्या लिखना है आपको, साइड में इसे माइनस लगा देना है। माइनस का मतलब होगा, इससे पहचान में आएगा कि ये लड़की है यानी फीमेल, ठीक है, इतना चीज़ है। और एक बात और, जैसे मान लीजिए ए और बी क्या है, भाई बहन है, ठीक है, तो इनके बीच में जो रहेगा वो सिंगल लाइन रहेगा, ऐसे एक सिंगल लाइन रहेगा, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सी आता है जो कि इसकी पत्नी है ए की, तब क्या रहेगा, इनके बीच में ऐसे डबल लाइन रहेगा, मतलब ये क्या है, पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी है। और हमने मान लीजिए इसमें से एक बता दिया कि मान लीजिए ए लड़का है, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा क्योंकि इसकी पत्नी है तो माइनस होगी, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, ई बी की बहन है। हमने कहा था कि जब भी बहन या भाई वाली बात आए तो दोनों एक ही पीढ़ी में रहेंगे, ठीक है, और एक ऐसे सिंगल लाइन से जुड़े होंगे, ठीक है। तो ई जो है किसकी बहन है, बी की बहन है, तो सिंगल लाइन, बी की बहन है, ठीक है। कौन बहन है, ई की बहन है ना, ई बी की बहन है, यानी ये माइनस होगी। अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना, लड़का होगा तब भी उसकी बहन हो जाएगी, ठीक है, बहन शब्द इसके लिए यूज़ हुआ है, ठीक। तो आगे क्या कहता है, ए सी का पिता है, ठीक है। जब तक इसमें से कोई कॉमन ना आ जाए तब तक हम अभी नहीं कुछ लिखेंगे, ठीक है। कह रहा है बी सी का पुत्र है, जो है बी वह सी का पुत्र है, यानी सी जो है इसके पिता हैं, तो इससे ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, ठीक है। तो सी का पुत्र है, यानी ये सी का पुत्र है, पुत्र वाला किसके लिए यूज हुआ है, बी के लिए, यानी ये क्या है, मेल है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक, सी का पुत्र है। अब सी लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, अभी नहीं पता। ए का ई से क्या संबंध है, अच्छा एक लाइन अभी सॉल्व नहीं किया हमने ना, ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, अब बताइए सी का पिता है तो इससे ऊपर वाली पीढ़ी में जाएगा, ठीक है, ए ना पिता है यानी प्लस है, ठीक। कह रहा है ए का ई से क्या संबंध है, इसका जो है इससे क्या संबंध है, ठीक है, इसके बहन की माँ का पिता, ठीक है, इसके बहन का जो लगेगा वो इसका भी लगेगा क्योंकि दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो है ई इसके जो माँ है, माँ या फिर पिता ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया है कि सी लड़का होगा या लड़की, यानी पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, ई के पिता का पिता, ऐसा मान लीजिए ये मतलब पिता हो या फिर माँ हो, कुछ भी मान लीजिए, तो पिता का पिता क्या लगता है, या तो नाना लगेगा या तो दादा लगेंगे, ठीक है, तो दादा लगेंगे या फिर नाना लगेंगे, ठीक है।
अब इसमें देखेंगे पहले क्या पूछा है। कहा है कि ए का, ई से, का शब्द जिसके लिए आया हो उसी को हम देंगे। जैसे क्या है कि यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन हैं ना, पोता मतलब पोती भी है और दादा भी है, इसमें से लेंगे कौन, क्योंकि ये पोती है ए की, ठीक है, और ये कौन है, ये ई के दादाजी हैं, तो दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सही है, दोनों नहीं होगा एक ही होगा। तो देखिए का सब जिसके लिए यूज़ हुआ है पहले जो आता है ए का, ए क्या है, दादा है, तो दादा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का यानी ए का संबंध बताना है, ए दादा है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। राम और रोहन भाई हैं, रोविन भाई हैं, ठीक है, तो भाई वाले क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं मतलब साइड साइड में ना, तो ये हो जाएगा राम ना, राम शॉर्ट में लिखते हैं, और रोविन, रोविन, ठीक, इतना हमने लिख दिया। भाई हैं, ठीक है, भाई हैं, भाई हैं, यानी दोनों प्लस में होंगे, ठीक, दोनों प्लस में होंगे। प्रमोद रोविन के पिता हैं, ठीक, रोविन के पिता हैं, यानी दोनों के पिता हैं, हम किसी के भी ऊपर लिख सकते हैं, इसके ऊपर मान लीजिए लिखते हैं प्रमोद, ठीक, तो प्रमोद, प्रमोद को हम पी लिख देते हैं, ठीक, पिता है यानी पी प्लस में है, ठीक। शीला प्रमोद की बहन है, शीला जो है इनकी बहन है, इनकी बहन, ठीक, यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे अब इनकी बेटी कौन होगी, इनकी बेटी होंगी सुबह, प्रेमा प्रमोद की भांजी, हाँ प्रेमा, ठीक, प्रेमा, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, पी आर हमने लिख दिया, ठीक, ये भी माइनस में है। सुबह शीला की नातिन है, सुबह जो है शीला की नातिन, शीला की नातिन यानी बेटी की बेटी, बेटी कौन है, प्रभा है, तो इसकी बेटी, इसकी बेटी यानी कौन है, शीला, सुबह जो है शीला की, यानी सुबह होगी यहाँ पे सुबह, ठीक है, सुबह क्या है, शीला की नातिन बन गई ना, बेटी की बेटी, ये माइनस में, ठीक है। राहुल सुबह से क्या लगते हैं, राहुल सुबह के क्या लगते हैं, जो राहुल हैं, राहुल कहाँ पे हैं, यहाँ पे ना, इनका सुबह से क्या रिश्ता होगा, बताओ क्या रिश्ता होगा, ये बताओ, इनके नानी, इनकी नानी ये हैं, नानी के भाई का बेटा, नानी के भाई का बेटा क्या हो सकता है, नानी के भाई का बेटा, ठीक है, ममेरा भाई है, ये इनका भाई तो लगेगा नहीं, ठीक है, मामा लग सकता है, हाँ ठीक है, मामा लग सकते हैं, कैसे, ये देखिए, ये कौन है, प्रभा है, अब प्रभा कहीं ना कहीं इसका भाई लगेगा ना, सगा भाई नहीं, मतलब ये इनके मामा का लड़का होगा, इनका भाई है, अब जब इनका भाई है तो ये हम मान सकते हैं ना कि इनके मम्मी के भाई क्या लगेंगे, मामा, तो मामा इज़ द राइट आंसर, ठीक, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, परिवार में 6 सदस्य हैं, इसको देखते हैं, ए डी का पिता है, ए जो है डी का पिता है, किसका, डी का, यानी डी नीचे रहेंगे, डी का पिता है ए, ठीक, ये प्लस में पिता है, डी को नहीं पता है कि अभी ये डी क्या है, ठीक है। ई जो है डी का दादा है, डी का दादा मतलब इसके पापा के पापा, यानी ए के पापा, ठीक, कौन है, ई, ई जो है डी के दादा है, यानी ये प्लस में है, ठीक, प्लस में है। बी जो है सी की बहू है, बी सी की बहू है, अभी देखिए इसमें से कोई बी सी नहीं आया इसलिए इसको छोड़ते हैं। एफ डी का चाचा है, एफ जो है डी का चाचा है, चाचा मतलब क्या होता है, चाचा मतलब होता है पापा के भाई, ठीक है, यानी इसके पापा ये हैं, तो इनके भाई यानी ए का भाई कौन है, एफ डी का चाचा, यानी एफ जो होगा इनका भाई होगा, भाई है यानी प्लस, ठीक है, और सिंगल लाइन, और एक लाइन हमने छोड़ा था, बी सी की बहू है,
क्वेश्चन करेक्ट। ऑप्शन में क्या दिया है, बहन, भांजा, सास, डेटा अपर्याप्त है इज द राइट आंसर। डेटा अपर्याप्त है, क्यों डेटा अपर्याप्त है, यहाँ पे देखिए बी सी की बहू है। अब हमें जब पता ही नहीं कि बी किसका क्या लगता है यहाँ पे, तब तक हम उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक व्यक्ति एक महिला से कहता है तुम्हारी माँ, ये देखिए इशारा वाला क्वेश्चन है। इसके पहले एक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ये वाला, ठीक है। ये अनिल एक फ़ोटो की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहता है, इशारा करते हुए कहता है, मान लो फोटो फोटो में ये है, मान लो, ठीक है, ये कोई है फोटो में, सॉरी, ये मान लीजिए फोटो है, ठीक है, इसमें कोई भी होगा, लड़का भी हो सकता है लड़की भी। तो कहता है कि उसके पिता यानी इस फोटो के जो पिता हैं, यानी प्लस होंगे, अभी नाम नहीं पता है तो प्लस माइनस से हम लेके चलेंगे, प्लस होंगे उसके पिता जो हैं मेरी माता, मेरी माता, हम इस व्यक्ति को मान लेते हैं अनिल, ये अनिल है, मेरी माता, मेरी माता कौन होंगी, ये, ठीक, इसके पिता जो है मेरी माता का इकलौता पुत्र है, यानी जो ये है वो इनका बेटा है, इकलौता पुत्र, यानी ये अनिल खुद होगा, ठीक है, इनकी माँ का इकलौता पुत्र। अब बताइए एक ही पुत्र है, वो भी इनकी माँ ही हैं, वो तो यही तो होंगे। मैंने कहा कि आप एक ही भाई हैं, मतलब आपकी माँ का सिर्फ एक लड़का है, तब क्या होगा, आपकी माँ का इकलौता पुत्र आप ही तो होंगे और कोई थोड़ी होगा। तो ये जो है, ये प्लस वाला जो व्यक्ति है, ये अनिल है, इनके ऊपर कौन आएंगे, इनकी माँ आएंगी, ठीक है। तो कह रहा है कि यह फोटो किसका है, फोटो किसका है, यह फोटो किसका है, अनिल का, भाई का, पुत्र का, पिता का, ठीक है। ये जो फोटो होगा ये देखिए अनिल से एक स्टेप नीचे आया, एक पीढ़ी नीचे आया, यानी अनिल का पुत्र होगा, ठीक है, अनिल का पुत्र होगा, ठीक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या कहा था, एक व्यक्ति एक महिला से कहता है, एक महिला से कहता है कि तुम्हारी माँ, पहले महिला को हम ले लेते हैं ना, महिला, यहाँ से कलर थोड़ा सा, ठीक, तो कहता है कि एक महिला से, यानी महिला को मान लेते हैं यहाँ पे, ऐसे माइनस ले लेंगे, अगर नाम नहीं पता है माइनस, ठीक, महिला से कहता है कि तुम्हारी माँ यानी इस महिला की माँ, ये भी माइनस होंगी, के पति यानी ऐसे प्लस में, पति की बहन यानी इनकी जो बहन होगी वो भी माइनस में होगी, इनकी बहन, बहन कौन है, ये, ठीक, मेरी बुआ है, मेरी बुआ, ये मेरी बुआ कब लगेंगी, ये जो है मेरी बुआ कब लगेंगी, जब ये मेरे पापा की बहन होगी ना। ये बताइए इनका भाई कौन है, ये हैं, यानी इनका जो पुत्र है वो व्यक्ति है, जो व्यक्ति बात कर रहा है वही व्यक्ति है इनका पुत्र। अब मैं प्रूव करता हूँ कैसे, ये बताइए कहा है कि तुम्हारी माँ, शुरू से कहते हैं ना, एक व्यक्ति एक महिला से कहता है ना, एक व्यक्ति एक महिला से कहता है, ठीक है, महिला मान लेते हैं ये है, ठीक, महिला मान लेते हैं ये, ठीक है, एक महिला से, महिला ये है, ठीक, महिला से कहता है कि तुम्हारी माँ यानी इस महिला की माँ माइनस होंगी, ठीक, तुम्हारी माँ, सॉरी यहाँ पे कलर थोड़ा सा, ठीक है, यानी इसकी माँ, ठीक, इसकी माँ कौन हो जाएगी, ये, ठीक है, तुम्हारी माँ के पति, के पति, पति को हम क्या करते हैं, पति पत्नी को ऐसे जोड़े में, ठीक है, पति की बहन, ये हो गया पति, इसकी बहन कौन हो जाएगी, ये की बहन मेरी बुआ है। अब ये जो लड़की है ये उस व्यक्ति की बुआ है, बुआ कब होगी उस व्यक्ति की, जब वो उस व्यक्ति के पिता इसके भाई होंगे, ठीक है। अब इस व्यक्ति को हम यहाँ पे ले लिए, इसका पिता इसको बना दिए, अब जब इसकी बहन हो जाएंगी ये, तब हो जाएंगी ये व्यक्ति की बुआ, ठीक है। कह रहा है कि उस महिला का,
उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, महिला का, ये वाली महिला का इस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, ये पूछना चाहता है। ठीक है, भाई बहन होंगे, भाई भाई बहन कैसे, देखिए इसके जो पिता हैं ना, इसके जो पिता हैं, इसकी माँ की ये बेटी है, ये महिला इसकी माँ की बेटी है ना। अब बताइए इसके पिता और माँ की अलग अलग संतान थोड़ी होंगी, इसके पिता ही की तो बेटी हुई है, इसके पिता की बेटी यही है और ये भी इन्हीं की बेटी है, मतलब ये क्या है, भाई बहन। ठीक है, तो महिला का अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, भाई आएगा कि बहन आएगा, दोनों थोड़ी आएंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा बहन। क्यों, इसमें पूछा है कि महिला का यानी महिला का रिश्ता बताना है, महिला क्या है, तो बहन लगेगी। ठीक है, जो पहले नाम दिया रहता है उसी का हम रिश्ता बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये अभी पार्ट वन है, इसका जो अगला वाला पार्ट है वो सेकेंड पार्ट आएगा कल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।